जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अब्दुल कयूम मदनी हेल्थ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और नुस्खा लेके जो है वो हाज़िर हुए हैं। ये बेसिकली जो हुकमा हज़रात हैं उनको मुख्तलिफ नुस्खा जात के अंदर जो है ओपीएम की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन वो मिलना जो है अब महाल हो चुका है। अगर मिलती भी है तो दो नंबर मिलती है, दो नंबर भी मिल जाए तो फिर भी जो है वो किसी हद तक जो है वो गुज़ारा कर जाती है। लेकिन आज हम आपको रूब इसका तैयार करने का जो है वो मुकम्मल तरीका कार बताएंगे। पहले तो जो न्यू व्यूवर हैं उनसे दरख्वास्त है कि मदनी हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी बात पूछनी हो वो कमेंट्स के अंदर जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये खशखास रात को जो है हमने पानी के अंदर भगो के जो है वो रख दी थी, तो अब इसका नेक्स्ट अमल जो है वो हम करने लगे हैं। आप जितना भी तैयार करना चाहें उसी हिसाब से जो है वो आप खशखास जो है वो ले लें और इसके अंदर जो है वो पानी डाल के रात को रख दें, और सुबह को जो है इसको आप पकाएं अच्छी तरह बॉयल करने के। जैसे हम दूसरे जो मरकबात हैं, जो सिरप वगैरह हैं उनको तैयार करते हैं, सेम वही तरीका है। बस इसमें यह है कि थोड़ा सा इसको ज़्यादा हम गाढ़ा कर लेते हैं, तो यानी कि बिल्कुल खुश्क ना हो लेकिन खुश्क होने के जो है वो करीब हो। तो इंशाल्लाह मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो आपको बताया जाएगा। तो ये जी अब हम इस तरह की जो है वो कोई स्टील का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर जो है ये हम तमाम मवाद जो है ये डाल लेंगे। अब हम इसको जो है वो पकाएंगे जी। तो ये हमने कढ़ाई के अंदर डाल के तो चूल्हे पे रख दी है। ये नीचे जो है वो आप देख सकते हैं कि चूल्हा जो है वो जल रहा है। अब हमने इसको तब तक पकाना है कि इसके अंदर जितना हमने पानी डाला है वो पानी जो है वो हाफ़ रह जाए, ठीक है, आधा जो है वो पानी रह जाए। फिर हम इसको जो है वो उतार के ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद जो है वो इसको पुन लेंगे, ठीक है, किसी फिल्टर पेपर के साथ कर ले या कोई मलमल का जो कपड़ा होता है उसके साथ जो है इसको इसका जो जलाल होगा, जो जुशांदा होगा इसका, वो हम उसको अलहदा कर लेंगे, ठीक है। अलहदा करके जब हम अलहदा करेंगे तो तब जो है वो फिर मिलते हैं। तो नए हुकमा होंगे तो उनको इस टर्म का जो है वो पता नहीं है कि हमने इसको जो है मुकद्दर कैसे करना है या कैसे किया है। तो कपड़े के साथ जो है इसको पुन के तो हमने जो है अब इसी बाल्टी के अंदर जो है हमने डाल के अब इसको खुश्क करना है। और जब ये पानी जो है ये खुश्क हो जाएगा और इसके अंदर से जो है वो बुलबुले निकलना या पटाख पटाख की जो है वो आवाज़ आना शुरू हो जाए या गाढ़ा जो है वो थोड़ा सा ये स्याल हो जाए, तो तब हम इसकी आग जो है वो बिल्कुल मद्धम कर देंगे। और अगर इसके अंदर जो है वो नमी भी आएगी तो उसको भी जो है हमने ख़त्म करना है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल स्टेप जो है वो आपको दिखाएंगे, तो इसलिए मैं वीडियो को ज़रा पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जी। तो नाज़रीन ये हमारा जो है अब तैयार होने वाला है। जब इस स्टेज पे आ जाए यानी कि गाढ़ा लिक्विड जो है वो बन जाए, अब चाहे तो आप अपनी तमाम मेडिसन जो जिसके अंदर भी आपने इसको शामिल करना है तो आप इसी वक्त जो है इसके अंदर शामिल कर दें, तो फिर भी जो है ये अपना मुकम्मल काम जो है वो देगा। अगर इसको हम ज़्यादा खुश कर देंगे तो ये नमक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह बस ये आपने मुकम्मल वीडियो कर लेनी है। अब अभी इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी नमी अभी बाकी है, तो ये देखिए इस तरह का, जैसे ये मैं साइड से अगर मैं दिखा पाऊँ तो इस तरह का जो है ये बिल्कुल नीचे लिक्विड जो है ये आ जाएगा हमारे पास, इसका जो है रूब तैयार हो जाएगा।
ये था जी मुख्तसर सा तरीका, क्योंकि मेरे पास तो पहले भी जो है ये बना पड़ा था, बस थोड़ा सा जो है उसमें से कम था, कहने के कोई 5-10 ग्राम तक जो है वो कम था, तो इसलिए जो है वो मुझे ये नया बनाना पड़ा। तो अभी दिखाते हैं जी अभी आपको। जी तो डियर व्यूवर्स, ये हमारे पास रूब जो है वो बिल्कुल बनने के जो है वो करीब है। बस इसी तरह इसको जो है वो आप जिस भी चीज़ का जो है वो रूब तैयार करना चाहें, तो बस इसी फॉर्म के अंदर जो है ये रूब जो है ये बन जाता है। अगर हम इसको और ज़्यादा खुश करेंगे तो ये फिर उस चीज़ का जो है ये नमक बन जाएगा। अब अगर हम इसको ठंडा होने दें तो ये खुद ब खुद जो है ये जम जाएगा, और लिक्विड हालत के अंदर भी आप इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो अदवियात जिसके अंदर आपने इसको डालना है आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा खुश करने से बाद में फिर आपको जो है वो पानी जो है इसके अंदर ऐड करके तो फिर इसको मेडिसिन के अंदर हल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये थी जी आज हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन भरी जो है ये वीडियो के रूप को जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी ये छोटी सी कहावत जो है ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन भरी वीडियो जो है वो आप तक लेके हाज़िर होते रहें। दुआ में ज़रूर याद रखें। हकीम अब्दुल क्यूम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।